अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक कमेंट और शेयर करें। पौष्टिक खाना खिलाकर इसी हम कामना करते हैं। मैं सभी हमारे अतिथि और संदर्भ करता हूँ कि इस योजना के आरंभ में आप सहयोग करें। हल्का सा अन्न खाने का भी आश्रम की शुरुआत होगी और इस प्रैक्टिस को हम जारी रखेंगे हमारे बच्चों के लिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारा रिक्वेस्ट है कि इस नई विजय संपत्ति को पौष्टिक खाने जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं तो जब बच्चा जन्म हुआ तो एक घंटे के अंदर किसने दूध पिलाया और किसने नहीं पिलाया? क्योंकि जानकारी भी नहीं होती है और कई बार कुछ प्रॉब्लम भी रहती है। तो और ये आप ही की बात नहीं है, इंडिया में अभी बता रहे थे लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि 50% महिलाएं बच्चा पैदा होने के एक घंटे के अंदर दूध नहीं पिलाती है उसको, जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा हुआ उसको एक घंटे के अंदर अंदर जन्म के माँ का दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ताकत देने वाला माँ का दूध होता है। और दूसरा, सबको पता है ना कि 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है और कुछ नहीं पिलाना है। लेकिन यहाँ पे भी केवल 56% माताएं जो है वो दूध पिलाती है 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली, और इतनी बड़ी संख्या में लगभग आधी माताएं हैं जो दूध नहीं पिलाती है 6 महीने तक बच्चे को। और उससे क्या होता है, जो बच्चा दूध नहीं पिएगा माँ का तो उसका बहुत सारे उसका दिमाग का डेवलपमेंट कम होता है, उसका सेहत का डेवलपमेंट कम होता है, इंटेलिजेंस कम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज जो कार्यक्रम था विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व भर में, तो आज उसका जो है कंक्लूडिंग प्रोग्राम था। आज यहाँ पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पे हमने हेल्दी बेबी शो, स्वस्थ शिशु कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें जो है जो छोटे बच्चे हैं लड़के लड़कियों का अलग अलग जो है एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें उनकी सेहत के आधार पे उनके विजेता का जो है सिलेक्शन किया गया। उसमें उनकी उनकी लंबाई बराबर है कि नहीं, उनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से है कि नहीं, उन्होंने साफ़ सफाई का ध्यान रखा है कि नहीं, उनके नाखून कटे हैं कि नहीं, इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जज किया गया। इसके अलावा अन्नप्राशन जो है उसका आज यहाँ पे यूटी में लॉन्च किया गया है। अन्नप्राशन जो 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद में उनको जो है कुछ ऊपरी आहार भी देना चाहिए, तो जो भी कोई ग्रेन बेस्ड है जो मतलब अन्न के अन्न का जो है पहली बार बच्चों को जो है वो चखाया जाता है ताकि बच्चे दूध के साथ साथ माँ के दूध के साथ साथ और बाहर जो ऊपरी आहार है वो भी शुरुआत करें उसकी, तो वो भी आज एडवाइज़र सर के हाथों जो है लॉन्च हुआ। इसके अलावा जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पोषण अभियान के अंतर्गत जन आंदोलन का लॉन्च किया गया। ये इसका मेन मकसद यही है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और WCD है और वाटर सैनिटेशन है, सब साथ मिलकर जो है कुपोषण का अंत कर सकें ताकि हमारे बच्चे जो हैं आने वाला जो हमारा भविष्य है वो स्वस्थ बन सके और मजबूत बन सके। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ ने जो है मिलकर जो है स्टेशनरी आइटम्स बांटे हैं स्कूली बच्चों को ताकि उनको स्कूल जाने में एक अलग इंसेंटिव मिले और वो जो है अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई में मन लगाएँ।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना, आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कंडोम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं। क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।